तेलंगाना राज्य सरकार का टी सैट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो मार्गदर्शन कार्यक्रम है, इसमें आपका स्वागत है। हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कंटेंट विषय में हम आज विस्तार से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे संधि के अंतर्गत। मित्रों, तो इससे पहले हम समास के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त किए थे, मतलब कई शब्दों को हम रचना करते हैं कुछ अर्थ के आधार पर, कुछ प्रयोग के आधार पर, कुछ उत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार हम शब्दों की रचना, शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, संधि से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा। तो मित्रों, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा यह है कि संधि शब्द का अर्थ है मेल, जिसे तात्पर्य है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार पैदा होता है। विकार मतलब यहाँ इसे तात्पर्य है परिवर्तन, मतलब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, जब मेल खाते हैं, जब हम दोनों को मिलाकर कुछ दूसरा अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे संधि कहते हैं, जिसे मतलब ध्वनियों मेल से परिवर्तन होता है, विकार पैदा होता है तो संधि कहलाता है। तो दूसरे अर्थों में हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं दूसरी परिभाषा के अंतर्गत, जैसे दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। वही बात जो दूसरे रूप में भी हम प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों हमको जो निर्धारित पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत परिभाषाओं से संबंधित विषय भी दिया गया है, तो हम प्रत्येक व्याकरण से संबंधित, जैसे विकारी से लेकर अविकारी से लेकर संधि, समास, उत्पत्ति के आधार पर जितने भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मित्रों, तो इस संदर्भ में हम लोग परिभाषा भी याद रखना होगा। कभी कभी परीक्षाओं में परिभाषा देते हुए नीचे चार विकल्प होते हैं, तो सही विकल्प का चयन करना होता है, तो इसलिए हम थोड़ा गंभीरता से, मतलब सीरियसली इस पर ध्यान देना होगा परिभाषाओं पर। उदाहरण देखें संधि से संबंधित, सम प्लस तोष, संतोष कहते हैं, उसके बाद देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, भानु प्लस उदय, भानुदय, संधि के उदाहरण हैं। हम संधि को लेकर और अधिक जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे, संधि के प्रकार। तो मित्रों, यहाँ संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो प्रश्न हो सकता है परीक्षाओं में, मुख्य रूप से संधि के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से संधि के डैश प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है परीक्षाओं में। मित्रों, तीन जो विकल्प हैं, तीन जो ऑप्शंस हैं, तो उस पर ध्यान देना होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो तीनों को याद रखना अत्यंत उचित है अगर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे प्राथमिक रूप से। अगर इसको थोड़ा कठिन बनाना चाहता है प्रश्न को, तब हम लोग स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के उदाहरण, फिर व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण, विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि की परिभाषा और इसके उदाहरण, इस पर हम गंभीरता से अध्ययन करें, तभी हम आसानी से प्रश्न का उत्तर हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, स्वर संधि क्या है, इसकी परिभाषा। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। फिर एक बार दोहराऊंगा मैं मित्रों, परिभाषा देखें, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि, मतलब स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ दो स्वरों के मेल से एक नया शब्द बन गया है। तो मित्रों, उदाहरण है विद्या प्लस आलय, विद्यालय। उसके बाद स्वर संधि के फिर उपभेद हैं, उप प्रकार हैं, तो हम इस पर ध्यान देंगे। पहला है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि है, फिर तीसरा है वृद्धि संधि,
फिर चौथा है यण संधि, पांचवा है अयाधि संधि। इस प्रकार हम जो स्वर संधि है पांच रूपों में विभाजित कर सकते हैं। फिर एक बार दोहराएं, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। तो इस प्रकार मित्रों हम दीर्घ संधि की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए, सूत्र अकह स्वर्णे दीर्घ। तो इस प्रकार संस्कृत में दीर्घ संधि की परिभाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। तो मित्रों फिर एक बार दोहराऊंगा, सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ। इससे तात्पर्य है अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। एक बार फिर इसको विस्तार से जानेंगे, ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ जैसे अ इ उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और ऊ हो जाते हैं। मित्रों जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, इधर पर्दे पर देखिएगा, अ आ प्लस अ आ इज इक्वल टू आ बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर्दे पर दिखा रहा हूँ आपको, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ बनेंगे। उदाहरण के लिए धर्मार्थ एक शब्द है, तो इस शब्द को हम संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म प्लस अर्थ आएंगे। जैसे धर्म के बाद प्लस से पहले अ का प्रयोग हुआ है, प्लस के बाद फिर अ स्वतंत्र रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए धर्मार्थ शब्द को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। फिर इसी तरह और एक रूप परिवर्तन को देखिएगा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ बन जाएंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे तो ये समझ में आएंगे आपको इसका विग्रह क्या है, विच्छेद क्या है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, हिमालय एक शब्द है यहाँ, तो हिम प्लस आलय। जैसे हिम जो शब्द है जो विच्छेद किए हैं, माँ के अंत में आ का प्रयोग हुआ है, उसके बाद प्लस के बाद दीर्घ मतलब दूसरा आ जो है इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए हम हिमालय शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो हिम प्लस आलय बनेंगे। अगर हिम प्लस आलय को जोड़ देंगे, मेल करेंगे तो हिमालय शब्द बन जाएंगे। इस तरह हम अन्य उदाहरण भी देखेंगे, विद्यार्थी एक शब्द है तो हम इसका विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस अर्थी, महाप्राण था की तरह प्रयोग होता है। जैसे विद्या में देखिएगा प्लस से पहले दूसरा आ है मित्रों, तो प्लस के बाद पहला आ है तो दोनों मिलकर आ बन जाते हैं, इसलिए यह दीर्घ संधि कहलाती है। उसके बाद फिर आ प्लस आ मिलकर आ बन जाएंगे। जैसे विद्यालय शब्द है तो विद्या प्लस आलय, प्लस से पहले आ है और प्लस के बाद भी आ है। इस तरह दीर्घ संधि विद्यालय के रूप में हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। तो मित्रों दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे स्वर से संबंधित है तो स्वर से बने हैं, तो ई और ई की संधि, जैसे ई प्लस ई मिलकर ई हो जाते हैं। इस प्रकार रवि प्लस इंद्र, तो प्लस से पहले वा के साथ ह्रस्व ई की मात्रा से है तो ई है, फिर यहाँ रविंद्र बन गया है। तो इसी तरह और एक विच्छेद भी है, मुनि प्लस इंद्र। जैसे मित्रों अगर आप इसको मेल करेंगे तो सुमेलित करेंगे तो मुनिंद्र बन जाएंगे, तो प्लस से पहले ई है, प्लस के बाद ई है। तो इस तरह परिवर्तन होता है दीर्घ संधि में। फिर इसी तरह अन्य उदाहरण देखेंगे, गिरीश एक शब्द है तो इसको विच्छेद करेंगे तो गिरी, गिरी में अंत में देखिएगा ह्रस्व ई की मात्रा प्रयोग हुआ है तो प्लस के बाद ई है, तो यह बन गया गिरीश।
फिर उसके बाद मुनि प्लस ईश, मुनि में ह्रस्व ई की मात्रा है तो प्लस के बाद ई है तो ये मुनीश बन गया है। तो इस तरह मित्रों परिवर्तन देखिए, दीर्घ संधि से संबंधित आ प्लस आ सकते हैं, आ आ भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन है उसको पकड़ना है आप लोगों को। तो दीर्घ संधि से संबंधित जो भी शब्द पूछा जाए परीक्षा में या पद पूछा जाए तो संधि पहचानने के प्रश्न पूछा जाता है। फिर संधि पूछकर दीर्घ संधि का उदाहरण बताइए। चार विकल्प होते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, तो एक विकल्प का चयन करना होता है। तो मित्रों तो जब आप सतर्क रहेंगे कहाँ स्वर मात्रा का प्रयोग हो रहा है, स्वर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, प्लस से पहले क्या हो रहा है, प्लस के बाद क्या हो रहा है, फिर दोनों मिलकर किस रूप में उच्चारण हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार अगर आप संधि के संदर्भ में ध्यान देंगे तो हल कर सकते हैं। जितना भी कठिन रूप से शब्द पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, हम विकल्प का चयन कर सकते हैं मित्रों। तो महेंद्र में भी इसी रूप में है, मही प्लस इंद्र, तो दूसरी ई की मात्रा है, प्लस से पहले, प्लस के बाद ई है। फिर और एक विच्छेद है, संधि विच्छेद, नारी प्लस इंदु, नारींदु मिलाने से बन जाएंगे। उसके बाद और ध्वनि है, देखिए मित्रों, ई प्लस ई इज इक्वल टू सामान्य रूप से ई ही बन जाता है। तो इस रूप में जो बने हैं उदाहरण देखिए, नदी प्लस ईश, नदी जो शब्द है अंत में दीर्घ ई की मात्रा प्रयोग हुआ है, प्लस के बाद दूसरा ई है तो यह बन गया है नदीश। उसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, तो मही, मही में क्या है अंत में, हाँ दीर्घ ई की मात्रा है तो प्लस के बाद भी ई प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मेल होकर दोनों मिलकर महीश बन गया है। इस तरह दीर्घ संधि में ऊ मात्रा को देखेंगे, ऊ स्वर को देखेंगे तो दूसरा परिवर्तन है, इसको भी हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो उ और ऊ की संधि, जैसे उ और ऊ मिलकर भी दीर्घ संधि बन जाते हैं। जैसे शुरू शुरू में ही आपसे कहा है दीर्घ संधि में स्वर से युक्त विच्छेद होते हैं, संधि होते हैं, तो उ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ बन जाएंगे। जैसे उदाहरण है, भानु प्लस उदय, भानु के अंत में क्या प्रयोग हुआ है, ह्रस्व उ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो प्लस के बाद स्वतंत्र स्वर ध्वनि या वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसलिए भानुदय। तो ना के नीचे दीर्घ उ की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है इस प्रकार के शब्दों में। तो मित्रों परिवर्तन देखिएगा, कभी कभी शब्द देकर संधि विच्छेद कीजिए, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नीचे आपको चार ऑप्शंस विकल्प होते हैं, तो सही विकल्प का चयन करना होता है। तो मित्रों शब्द पूछकर संधि पूछा जा सकता है, या संधि पूछकर उसका उदाहरण पूछा जा सकता है, या शब्द पूछकर संधि विच्छेद कीजिए, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो मित्रों चार या पांच रूपों में किसी रूप में आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप सही विकल्प का चयन करना होता है। तो अन्य उदाहरण देखें, विधु प्लस उदय, विधु में क्या है अंतिम रूप में, विधु के अंत में ह्रस्व उ की मात्रा है, प्लस के बाद उ है, तो मित्रों क्या बन गया है, विधुदय, विधुदय बन गया है दोनों के मेल से। इस तरह दीर्घ संधि में अन्य उदाहरण भी देखेंगे। जैसे पहले हम देखें उ और उ मिलकर, अभी क्या है, उ प्लस उ मिलकर उ बन जाते हैं। तो उदाहरण देखिए, तो इसका विच्छेद देखिए, लघु प्लस ऊर्मि, तो दो मिलकर बनेंगे लघुर्मि बनेंगे। तो प्लस से पहले ह्रस्व उ की मात्रा पर ध्यान देना होगा, प्लस के बाद जो स्वतंत्र स्वर ध्वनि वर्ण या अक्षर है उसको ध्यान देना होगा, जो उ के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसलिए
लघूर्मि बन जाता है। तो मित्रों यहां सिंधु में उ है और ऊर्मि सिंधूर्मि शब्द बन जाता है दोनों के मेल से। तो इस प्रकार दूसरा परिवर्तन देखेंगे ऊ प्लस ऊ तो ये बन जाएंगे ऊ बन जाएंगे। उदाहरण देखिए वधु प्लस उत्सव वधु उत्सव बन जाएगा। फिर इस तरह अन्य उदाहरण देखिए वधु प्लस उल्लेख वधुल्लेख बन जाता है। उसके बाद दो ऊ ध्वनिया या स्वर अक्षर मिलकर ऊ बन जाएंगे जैसे आ का हुआ जैसे ई का प्रयोग हुआ इसी रूप में। तो मित्रों भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व देखिएगा इस तरह के शब्द जो है थोड़ा कठिन लगता है विच्छेद करने के लिए। फिर एक बार दोहराए भूर्ध्व मतलब सभी महाप्राण ध्वनियां हैं इसमें भ भी महाप्राण है उसके बाद धा भी महाप्राण है तो उच्चारण में भी थोड़ा कठिन होता है और उसका विच्छेद करने में भी थोड़ा कठिन होता है जैसे भू प्लस ऊर्ध्व भू में क्या है दूसरा ऊ है तो प्लस के बाद भी ऊ का प्रयोग हुआ है इसलिए दो ऊ मिलकर हमको बोर्ध्व का मेल होता है। तो वधु प्लस ऊर्जा वधूर्जा शब्द का प्रयोग होता है दो विच्छेद दो शब्द या ध्वनियों के पदों के मेल से। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जैसे दूसरा प्रकार है गुण संधि। तो गुण संधि में आपको अ आ के आगे ई ई हो तो ए बन जाता है। मित्रों परिवर्तन एक बार देखें गुण संधि में जैसे आ आ के आगे मतलब आ आ के बाद ई ई हो तो दोनों के मेल से जब ए बन जाता है तो स्वर में जो ए का रूप बन जाता है तो हम उसको गुण संधि कहते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है देखेंगे तो उ ऊ हो तो वो तथा रि हो तो अर हो जाता है तो गुण संधि कहते हैं। मतलब यहाँ तीन या चार रूपों में परिवर्तन होता है जिसे ऊ ऊ ओ हो जाता है रि जो है अर हो जाता है। तो यह गुण संधि में परिवर्तन है। जैसे एक परिवर्तन देखेंगे इधर अ प्लस ई दोनों मिलकर क्या बनेंगे ए बनेंगे मतलब सम रूपी स्वर ना होते हुए दूसरे स्वर के साथ मेल खाकर हमको ए बन जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र नर के साथ अंत में क्या है आ ध्वनि का उच्चारण हुआ है आ मात्रा है रा में इसको रा का विग्रह करेंगे क्या होगा अर प्लस आ होगा इसलिए मित्रों प्लस से पहले आ है प्लस के बाद पहला ई है तो इसलिए ये बन जाएंगे मेल खाकर क्या होगा नरेंद्र होगा। तो इस तरह अ प्लस ई से विच्छेद होने वाले शब्द देखें तो नर प्लस ईश नरेश यहां भी ए बन गया। तो इस तरह अ प्लस ई की तरह महेंद्र शब्द को हम महा प्लस इंद्र मतलब महा में आपको आ का प्रयोग हुआ है प्लस से पहले तो प्लस के बाद क्या है ई है। तो यहां मित्रों अ प्लस ई से बने शब्द देखेंगे महा प्लस ईश महेश। तो इस तरह नीचे जो उदाहरण दिया गया है संधि विच्छेद किया गया है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्लस से पहले आपको अ ध्वनि का प्रयोग हुआ है प्लस के बाद ई स्वर अक्षर या वर्ण ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह गुण संधि का उदाहरण है। तो अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं जो परिवर्तन है गुण संधि के दूसरे नियम या दूसरा परिवर्तन है प्लस से पहले आ का प्रयोग होता है प्लस के बाद ऊ प्रयोग हो गया तो वो ओ बन जाता है। तो इस तरह उदाहरण देखिए ज्ञान प्लस उपदेश तो मेल करने से क्या होगा ज्ञानोपदेश। तो मित्रों ज्ञानोपदेश में प्लस से पहले ना के साथ क्या प्रयोग हुआ है अ का प्रयोग हुआ है।
प्लस के बाद उ ध्वनि का प्रयोग हुआ है, उ स्वर अक्षर का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह बन गया है अ प्लस उ ओ हो गया है। तो मित्रों इस तरह और एक उदाहरण देखेंगे तो महा प्लस उत्सव महोत्सव, जैसे ओ बन गया है अ प्लस उ मिलकर, मतलब विपरीत स्वर ध्वनियां मिलकर ओ बन गया है मित्रों यहां, इसलिए महा प्लस उत्सव क्या होगा, महोत्सव होगा। जैसे अन्य उदाहरण देखेंगे जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी हो गया है, इस तरह मित्रों महा प्लस उर्मी महोर्मी। ग देखेंगे उदाहरण अ प्लस री अर हो जाता है। जैसे और एक नियम है गुणसंधि बनाने में या गुणसंधि बनने में दूसरा रूप है गुणसंधि का, इसका उदाहरण है अ प्लस री, तो दोनों मिलकर अर बन जाते हैं, इसका उदाहरण है देव प्लस ऋषि देवर्षि। मित्रों देव प्लस ऋषि दो पद मिलकर देवर्षि बन गया है, तो कैसे बन गया है देखें, तो प्लस से पहले जो वा है वा के साथ अ ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो प्लस के बाद री है, तो दोनों मिलकर जैसे हम शुरू में कहे हैं यहां ऊपर देखिएगा ग में अ प्लस री बनकर अर बन जाता है, इसलिए देव प्लस ऋषि जो है देवर्षि है। तो मित्रों और एक उदाहरण नीचे देखिएगा अ प्लस री है, तो पहले क्या है अ प्लस री है, उसके बाद दूसरा अ प्लस री है, तो मित्रों दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। तो यहां इससे संबंधित उदाहरण देखें नीचे, सबसे नीचे महा प्लस ऋषि, तो महा में महा के अंत में दूसरा अ ध्वनि या दूसरा अ अक्षर या वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो प्लस के बाद री है, तो इसलिए आ और री मिलकर महर्षि हो जाता है गुणसंधि के एक नियम में। तो मित्रों गुणसंधि के बाद हम आगे बढ़ेंगे वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में क्या परिवर्तन होगा, अ आ का ये से मेल होने पर आई तथा एक नियम क्या है, फिर एक बार दोहराता हूं देखिए आ आ का ये आई से मेल होने पर आई बन जाता है। तो इस प्रकार मित्रों दूसरा नियम है आ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो मित्रों जो दो परिवर्तन है यहां इसका उदाहरण भी देखेंगे आगे चलकर हम लोग, जैसे अ प्लस ए है, तो विच्छेद में जो ध्वनियां प्रयोग होते हैं जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, तो उन ध्वनियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो अ प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे, आई बनेंगे। इसका उदाहरण देखें ए प्लस एक प्लस एक एकाइक बन जाता है, जैसे गहन रूप से अगर हम देखें तो प्लस से पहले क है, तो क के अंत में किसका प्रयोग होता है, स्वर ध्वनि का प्रयोग होता है अ, तो प्लस के बाद क्या प्रयोग हुआ है, ये ध्वनि ये वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसलिए एकाइक में अ प्लस ए है, इसलिए आई बन गया है, एकाइक हो जाएगा। उसके बाद और एक रूप देखेंगे अ प्लस आई मिलकर आई बन जाता है, जैसे मत प्लस ऐक्य मतैक्य हो जाता है, जैसे प्लस से पहले अ ध्वनि है प्लस के बाद आई है, तो इसलिए अ प्लस आई मिलकर मतैक्य हो जाता है। इस तरह और एक रूप देखें प्लस से पहले आ है दूसरा आ है दूसरा आ ध्वनि है, तो प्लस के बाद ए है, इसलिए मित्रों आई हो जाता है आ प्लस ए मिलकर। तो यहां सदा प्लस एक सदैव कहते हैं, तो प्लस से पहले आ है प्लस के बाद ये है, इसलिए सदैव हो जाता है सदा प्लस एव। तो इस तरह और एक रूप देखेंगे आ प्लस आई दोनों मिलकर क्या बने, पर्दे पर देखिएगा आई है, तो इससे संबंधित उदाहरण सबसे नीचे देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा, तो यहां प्लस से पहले
जो महा है हा के अंत में आ ध्वनि का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्लस के बाद आय है, तो आ प्लस आय मिलकर माहेश्वर्य बन जाता है। तो इस तरह और एक उदाहरण देखेंगे तो आ प्लस ओ औ हो जाता है, तो वन प्लस औषधि वन औषधि बन जाता है। तो इसी तरह आ प्लस ओ मिलकर औ हो जाता है, तो महा प्लस औषधि महाऔषधि हो जाता है। तो इस तरह और एक रूप देखेंगे सबसे नीचे अ प्लस औ क्या बनेंगे, औ बनेंगे। इससे बने शब्द देखेंगे तो परम प्लस औषध, परम में क्या है अंत में अ है, तो प्लस के बाद क्या है औ है, परम औषध शब्द बनेगा। फिर और एक ध्वनि है इधर प्लस से पहले आ है, प्लस के बाद औ है, दोनों मिलकर क्या बनेंगे औ बनेंगे। तो नीचे उदाहरण देखेंगे तो आपको लगता है कि महा प्लस औषध महाऔषध बनेंगे। तो इस प्रकार जो थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान देते हुए परिभाषा से इसको सुमेलित करते हुए जो नियम है उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर आप अध्ययन करेंगे अभ्यास करेंगे तो सबसे बेहतर आसान हो जाएगा वृद्धि संधि पहचानने में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा है इसमें अन्य प्रकार है भेद है यण संधि। तो यण संधि कैसे बनेंगे, ई के आगे मतलब ई के बाद कोई विजातीय, विजातीय मतलब असमान, जो समान ना हो स्वर होने पर ई को हम ई मतलब या के नीचे हलंत जो दिया है पर्दे पर, तो ई का प्रयोग होता है, ई बन जाता है। तो फिर एक बार दोहराऊंगा, फिर एक बार समझाऊंगा, ध्यान दें। तो यण संधि में जो ई ध्वनि और ई जो दो ध्वनियां हैं यहाँ, तो आगे चलकर मतलब ई जो है विजातीय या असमान स्वर होने पर ई को क्या बनेंगे या बनेंगे, या के नीचे हलंत होता है, इसका उच्चारण होता है, संधि विच्छेद करने पर भी हम लिखते हैं या के नीचे हलंत। जैसे और एक नियम उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उ जो है उ बन जाता है, व के नीचे हलंत बन जाता है। यह दूसरा नियम है यण संधि का। उसके बाद और एक नियम है रि के आगे मतलब रि के बाद किसी विजातीय स्वर के आने पर रि को हम र मतलब रा के नीचे हलंत देना है, तेलुगु में हम इसको नकारांत बोलते हैं नकारम बोलते हैं, तो यह बन जाता है, इन्हें यण संधि कहते हैं। तो मित्रों इस प्रकार जितने भी उसमें नियम हैं परिवर्तन हो रहा है यण संधि में, एक एक नियम को आराम से पढ़ते हुए आप लोग उदाहरण के साथ उदाहरण सहित अगर अभ्यास करेंगे तो आसान होगा समझने में। तो यण संधि में देखेंगे ई अ क्या बने, इधर ई बन गया है प्लस आ हो गया है। जैसे शब्द देखेंगे तो यह समझ में आएगा कि यदि, यदि में क्या है अंत में ई है, फिर प्लस के बाद क्या है अ है, तो ई आ क्या बन गए यदि प्लस अपि यद्यपि। फिर ई प्लस आ दो क्या है भिन्न स्वर ध्वनियां हैं, तो क्या बने इधर ई बन गए हैं, तो आ हो जाता है, तो ई प्लस आ हो जाता है, इसका रूप परिवर्तन। जैसे इति, इति में ई है और आदि, तो इत्यादि बन जाते हैं यण संधि के उदाहरण में। और एक नियम देखेंगे ई प्लस अ इज इक्वल क्या होगा ई प्लस अ। तो इस रूप में परिवर्तन होते हुए नीचे एक उदाहरण दिया गया है नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण बन जाता है, तो नदी के अंत में दूसरी ई ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो प्लस के बाद अ ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ये ई अ जो है
ई प्लस आ में बन जाता है तो नद्यर्पण हो जाता है इस विच्छेद का। तो और एक देखें उदाहरण, ई प्लस आ का प्रयोग हुआ है मित्रों, पहले क्या है ई प्लस आ है, तो इस दूसरे नियम में दूसरे उदाहरण में आपको ई प्लस आ है तो ई प्लस आ हो जाता है। तो नीचे देखें विच्छेद, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन शब्द रूप धारण करता है। तो विच्छेद में देखें तो देवी में क्या है, दूसरी ई ध्वनि है तो प्लस के बाद आ है, तो विपरीत होने पर भी ये दो मिलकर क्या बनेंगे, ई प्लस आ बनेंगे, तो देव्यागमन शब्द धारण करता है। उसके बाद और एक नियम देखेंगे, उ प्लस आ क्या बनेंगे, उव बनेंगे, व के हलंत रूप बनेंगे, उसके साथ आ जुड़ जाता है तो अन्य शब्द दूसरा शब्द का परिवर्तन होकर यहाँ नया शब्द बन जाता है। तो अनु प्लस आय शब्द है इधर, तो विच्छेद करने पर अनु में क्या है, उ ध्वनि का प्रयोग होता है, उ ध्वनि का उच्चारण होता है, तो प्लस के बाद अ है तो अन्वय हो जाता है अनु प्लस आय का। तो और एक उदाहरण देखने पर आपको पता चलेंगे कि उ प्लस आ रूप में परिवर्तन होने वाले विच्छेद शब्द पर अगर हम ध्यान देंगे तो उ प्लस आ हो जाता है। तो मित्रों नीचे सु प्लस आगत स्वागत। तो सामान्य रूप से जो हम विच्छेद करने के लिए योग्य शब्द हैं तो समझेंगे, लेकिन स्वागत जैसे अगर शब्द पूछा जाए तो याद रखिएगा मित्रों, तो स्वागत में सु है, तो सु में क्या है, उ ध्वनि है, तो प्लस के बाद दूसरा आ है, इसलिए सु प्लस आगत स्वागत हो जाता है। तो यह इण संधि है। अगर हम प्रश्न के रूप में इसको समझना है, स्वागत शब्द दिया जाता है तो नीचे चार विकल्प होते हैं, तो वहां स्व प्लस आगत, कभी कभी लोग गलत करते हैं स्वागत शब्द को लेकर, इसलिए आपको इस शब्द को लेकर थोड़ा समझाना पड़ रहा है कि स्वागत में स्व प्लस आगत करेंगे कुछ लोग, कुछ लोग उसको स प्लस आगत भी करते हैं, स प्लस आगत भी करते हैं, लेकिन सही विकल्प क्या है, सु प्लस आगत यण संधि है। तो सु प्लस आगत क्या संधि होगा, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो तीन या चार रूपों में इसको अध्ययन करते जाइए, जैसे शब्द पूछेंगे संधि को पहचानना है, संधि पूछेंगे नीचे शब्द को पहचानना है, या शब्द दिया जाएगा संधि विच्छेद करना पड़ेगा, संधि विच्छेद दिया जाएगा नीचे शब्द होगा। इस प्रकार मित्रों चार या पांच रूपों में संधि को लेकर हमको शब्दों का प्रयोग होता है। तो स्वागत को लेकर इस प्रकार बनेगा। तो आगे चलकर और एक शब्द देखेंगे, अनु प्लस एषण अन्वेषण, अगर अन्वेषण शब्द दिया जाए इसको विच्छेद करना है तो अनु प्लस एषण होगा। बहुत लोग गलत करते हैं इस तरह के शब्दों में, अनु ना विच्छेद करते हुए अन हलंत वाला अन विच्छेद करेंगे कुछ लोग। तो यहां मित्रों यण संधि में अन्वेषण वे यहां हो रहा है तो वो ए हो जाता है। तो इसलिए इस तरह और एक शब्द देखेंगे और एक नियम देखेंगे यण संधि के, रि प्लस आ उर प्लस आ हो जाता है। जैसे शुरू शुरू में ही यण संधि के जो परिवर्तन है, यण संधि के जो नियम है इस पर ध्यान दिया गया है। तो यहां और एक नियम या और एक रूप है, यहां मित्रों रि प्लस आ उर प्लस आ बन जाता है, तो शब्द ऐसा होगा, शब्द विच्छेद ऐसा होगा। नीचे जो संधि विच्छेद दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा कि पितृ, पितृ में क्या है, प्लस से पहले रि है, रि का प्रयोग हुआ है तो प्लस के बाद क्या है, अ है, तो रि प्लस आ पितराज्ञा बन गया है। फिर एक बार दोहराए, पितृ प्लस आज्ञा, जो दो शब्द दो ध्वनिया है, दो शब्द दो पद हैं, तो पितराज्ञा बन गया है।
तो यहाँ इस तरह के जो शब्द आपके सामने प्रस्तुत किया, इस तरह के शब्दों में हम कठिनाई महसूस करते हैं, तो हम कभी कभी हम बोलते हैं अंग्रेजी में, अरे ये हार्ड दिया है, तो हार्ड नहीं है मित्रों, ये बहुत आसान है समझने के लिए। पितृ में क्या है, रि है, प्लस के बाद आ है, इसलिए पितृज्ञा बन जाता है इस तरह के शब्द जो यण संधि कहलाते हैं। उसके बाद अयादि संधि, अयादि संधि में अगर हम नियम देखेंगे, जो परिवर्तन देखेंगे, तो एक एक नियम को लेकर एक एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। तो मित्रों यहाँ ये आई है, तो ये जो है वो औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः क्या बनेंगे, आई आई औ और आव बन जाते हैं, तो हम अयादि संधि कहते हैं। तो मित्रों परिभाषा डेफिनेशन एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा पर्दे पर, ये आई जो ध्वनियां हैं क्या हो जाएंगे, वो औ से परे होते हैं, तो किसी भी स्वर के होने पर भी क्रमशः ये बनेंगे कि आई बनेंगे, आई के बाद आई बनेंगे, आई के बाद औ बनेंगे और आव बनेंगे। तो इन ध्वनियों पर अगर आप ध्यान देंगे, तो उदाहरण पर उसको आप सुमेलित करेंगे, तो मेल करते हुए कंपैरिजन करते हुए अगर आप पढ़ेंगे, तो आसान हो जाएगा कि अयादि संधि क्या है। मित्रों उदाहरण देखें तो कम है देखने पर आपको पता चलेगा कि ए प्लस आ क्या बने, आई प्लस आ के रूप में बने। जैसे विच्छेद देखिए, ने प्लस अन नयन बनेंगे। तो इस तरह के शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, अगर आप यूपीपीएससी केंद्र सरकार के जो भी हम परीक्षाएं हैं, तो वहाँ हिंदी भाषी होने पर भी बहुत लोग गलत करते हैं संधियों को लेकर। तो नयन एक शब्द है, तो तत्सम शब्द, तो तत्सम शब्द को लेकर आप लोग अगर विच्छेद करने के लिए प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, ने प्लस अन हो जाता है। तो अगर हम विच्छेद में देखें, तो ने में क्या है, ए है, तो पढ़ते पर देख सकते हैं आप लोग आराम से, तो ऊपर ये दिया गया है, तो ने में ये ए का प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ मित्रों तो प्लस के बाद क्या है, अ है, तो ये अ मिलकर आई हो गया है, तो नयन बन गया। तो नयन की तरह मित्रों और एक शब्द प्रस्तुत है पर्दे पर, तो आई और एक रूप है, तो प्लस के बाद क्या है, अ है, तो दो मिलकर क्या बने, आय बन गई। तो उदाहरण देखिए विच्छेद में, गई प्लस अक गायक, गायक जब हम विच्छेद करना होता है, उसको हम गई के रूप में विच्छेद करना है प्लस से पहले, तो गई में अगर आप ध्यान देंगे, ग प्लस आई है, तो गई हो जाता है, प्लस के बाद अक बन जाता है, तो गायक बनेगा। इस तरह के शब्द जो है थोड़ा कठिन महसूस होता है विच्छेद करने में, तो इस तरह के शब्दों पर ध्यान देना है, और परीक्षाओं में भी आप लोग इसको अनुप्रयुक्त मतलब अपलोड करते हुए पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो जो विकल्प है, ऑप्शन है, हम सही रूप से हम चयन कर सकते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद और एक नियम है, और एक रूप देखेंगे, तो ओ प्लस आ है, तो आगे चलकर ये बनेंगे कि औ प्लस आ, तो कैसे बने, उदाहरण देखेंगे, पो प्लस अन पवन। पवन शब्द हम जानते हैं, तो पर्यायवाची के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग पवन शब्द, तो पवन शब्द देते हैं, इसको विच्छेद करना है, तो कैसे बनेंगे, तो स्वर संधि इससे इसके संबंध में तो आराम से हम लोग विच्छेद कर सकते हैं, जहां प्लस से पहले आ प्लस के बाद आ होगा, या प्लस से पहले आ प्लस के बाद आ होगा, तो इस तरह हम जो प्रयोग के रूप में विच्छेद करना है, तो स्वर संधि में उतना कठिनाई महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अयादि संधि जैसे उदाहरणों में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करना पड़ता है, और अगर आप नियम के अनुसार अध्ययन करेंगे, तो आसान बनेगा कि पवन कैसे विच्छेद करें, तो पो बनेगा। पो में क्या है, इसको विग्रह करना पड़ेगा आपको, पो को विग्रह करेंगे, तो प नीचे हलंत आता है, तो उप बन जाता है, प्लस ओ है पो में, तो इसलिए मित्रों ओ प्लस अन पवन हो जाता है। ध्यान दीजिए पर्दे पर आपके सामने प्रस्तुत है शब्द। उसके बाद घ में देखेंगे, तो औ ध्वनि प्लस आ मिलकर आव बन जाते हैं, तो आव प्लस आ होकर विच्छेद करना होता है इधर, जैसे
एक विच्छेद है यहां नीचे, सबसे नीचे देखेंगे तो पौ, जैसे ऊपर आपको बताया कि पो, पो में ओ है, लेकिन पौ में आपको औ है, तो अक, पावक शब्द को हम विच्छेद करते हैं। तो अक्सर आपको इस तरह के शब्दों में तत्सम शब्द ही प्रयोग होते हैं, तो पावक को अगर हम विच्छेद करते हैं तो पौ प्लस अक हो जाता है, तो वह कौन सा संधि कहलाएगा? अयादि संधि कहलाएगा। तो उदाहरण के रूप में इस प्रकार हम अध्ययन करना है। जैसे फिर एक बार दोहराता हूं कि प्रत्येक संधि से संबंधित नियम को पकड़िए, नियम को चांटिए आप लोग, नियम में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो किस प्रकार हम विच्छेद कर रहे हैं, तो उसके बाद कैसे सुमेलित करते हुए पढ़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना होगा मित्रों। उसके बाद और एक उदाहरण देखिएगा, औ प्लस ई, ये मेल होगा कि औ प्लस ई होगा, जैसे नौ प्लस इक नाविक हो जाता है। तो नाविक शब्द को दिया जाता है प्रश्न के रूप में परीक्षाओं में, उसको विच्छेद करना है, तो नव इक विच्छेद करना है, क्योंकि अयादि संधि में हम पहले ही नियम के रूप में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है कि प्लस से पहले औ का प्रयोग होता है, मतलब औ ध्वनि का प्रयोग होता है, ना से औ जुड़कर नव हो जाता है, उसके बाद इक बन जाता है, तो नव प्लस इक नाविक हो जाता है अयादि संधि के उदाहरण के अंतर्गत। उसके बाद व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि समझिए एक बार, व्यंजन का व्यंजन से, मतलब जो कंसोनेंट है व्यंजन है, तो व्यंजन का व्यंजन से जब हम किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो फिर एक बार डेफिनेशन परिभाषा देखिएगा, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, तो किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन को हम देखते हैं, तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे शरद प्लस चंद्र, प्लस से पहले देखिएगा त तो है, हलंत वाला अल्पप्रण त है, तो प्लस के बाद चा है, तो शरद चंद्र हो जाएगा। तो इस तरह उज्जवल भी और एक शब्द है। फिर उसके बाद मित्रों और एक नियम देखें, किसी वर्ग के पहले वर्ण क प्लस च प्लस ट प्लस त कम प, इस प्रकार हलंत वाले जितने भी ध्वनियां हैं यहाँ का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य र प्लस ल व प्लस ह या किसी स्वर से हो जाए, तो क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब हो जाता है। जैसे मित्रों अगर आप ध्यान देंगे इधर पर्दे पर, यहाँ जो नियम दिया गया है आपके सामने, प्रत्येक हलंत शब्द के हलंत ध्वनि के साथ साथ तीसरे अथवा चौथे वर्ण का यह पर्दे पर दिया जा रहा है, य र ल व ह जैसे शब्द या किसी स्वर से हो जाए, तो वह क को ग च को ज ट को ड और उप को ब हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ उदाहरण देखें, तो नियम जो बताया था उसको समझने में थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, जब आप उस नियम को उदाहरण सहित पढ़ेंगे चर्चा करेंगे तो समझेंगे आराम से। जैसे क प्लस गा क्या होगा? गा होगा। दो व्यंजन ध्वनियां हैं यहाँ, विपरीत व्यंजन ध्वनियां, जैसे हम इसको संयुक्त अक्षर के रूप में भी समझते हैं, जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। दिग्गज में क्या है? देखिए क्या है ये, अल्पप्रण ग के साथ अल्पप्रण ग आया है, क्या बोलेंगे हम? द्वित्वाक्षर बोलेंगे, मतलब संयुक्ताक्षर। समझने के लिए बता रहा हूं आपको, जैसे द्वित्वाक्षर दो ध्वनियां जो हैं संयुक्ताक्षर में बनेंगे, मतलब संयुक्ताक्षर की दो ध्वनियां द्वित्वाक्षर में बनेंगे तब दिग्गज हो जाता है, जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज। इस तरह क प्लस ई
यहां व्यंजन के साथ स्वर ध्वनि का मेल होकर क्या होगा, वाक प्लस इस वागीश होगा। मतलब मित्रों यहां प्लस से पहले स्वतंत्र व्यंजन ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो प्लस के बाद जो है स्वतंत्र स्वर ध्वनि है, तो वाक प्लस इश वागिश होता है। इस तरह और एक शब्द पर ध्यान दीजिए, यहां और एक विच्छेद पर ध्यान दीजिए, जैसे च प्लस आ क्या होगा, ज होगा। मित्रों च अल्पप्राण चा है, अल्पप्राण के चा के साथ अ ध्वनि मेल होते हुए ज बनेगा, जैसे अच प्लस अंत अजंत। जो अजंत शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वह अच प्लस अंत के रूप में विच्छेद किया जाता है, जो च और अ मिलकर जा हो जाते हैं। वही बताया था मैं नियम के अंतर्गत, जैसे व्यंजन संधि के जो नियम हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया था उसको नोट कर लीजिएगा। उस नोट को इन उदाहरणों के साथ अगर आप अध्ययन करेंगे, सामने रख कर अगर आप लोग पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्यंजन संधि क्या है। तो इस तरह और एक अल्पप्राण ट प्लस आ क्या बना, ड बना, अल्पप्राण ड के रूप में। तो मित्रों यहाँ इस तरह के जो शब्द है इस पर ध्यान दीजिए, प्लस षट आनन, मतलब प्लस प्लस से पहले टा है, टा के साथ आ जुड़ते ही वो क्या बन गया है, ड बन गया है, अल्पप्राण ड के रूप में। तो सुमेलित कीजिए इसको, षट प्लस आनन षडानन कहते हैं। तो इस तरह प प्लस ज उपज बन गया, जैसे अप प्लस ज अपज। तो ये कठिन शब्द है, थोड़ा हम अलग करने के लिए विच्छेद करने के लिए व्यंजन संधि के रूप में, जैसे अपज अप प्लस ज अपज बन जाएगा। उसके बाद मित्रों और एक नियम देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले क प्लस च प्लस ट प्लस त प्लस प का मेल न या उन वर्ण से हो, तो उसे उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे मतलब वो जो व्यंजन वर्ग है उसको समझना है हम लोग। जैसे यदि किसी वर्ग के पहले क प्लस च प्लस ट त प का मेल न प्लस उन वर्ण से हो, तो उस स्थान पर उसी वर्ग के पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे क प्लस म क्या होगा, उन हो जाता है। जैसे वांग्मय, मतलब पंचमाक्षर जो है, नासिका क्षर जो कहते हैं, नासिक ध्वनियां जो कहते हैं हम लोग पंचम वर्ण, इन इन्य अण न म, ये जो है पंचमाक्षर ध्वनियां कहेंगे, पंचम ध्वनियां कहेंगे। तो मित्रों क प्लस म क्या होगा, उन होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, वांग्मय शब्द को विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस मय, मतलब प्लस से पहले क ध्वनि का क व्यंजन का प्रयोग हुआ है, उसके बाद म मतलब क प्लस म मिलकर क्या हो गया है, उस वर्ग के नासिका के रूप में पंचमाक्षर के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इन हो गया, वांग्मय कहते हैं वांग। तो उसके बाद इसी तरह च प्लस न क्या हो गया, इनिया। तो अच प्लस नाश अनाश। तो इस तरह ट प्लस म न हो गया है। तो इसका उदाहरण षण्मास, षट प्लस मास क्या हो गया, षण्मास हो गया है। तो इस तरह त प्लस न न हो जाता है। जैसे उन्नयन शब्द को अगर हम विच्छेद करेंगे तो उत प्लस नयन हो जाता है। तो यहां मित्रों प्लस से पहले उत अल्पप्राण त हलंत के साथ प्रयोग हुआ है, तो प्लस के बाद ना जुड़ गया है। तो मित्रों त प्लस ना अगर हम मेल करेंगे, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो उन्नयन हो जाता है। तो यहाँ प प्लस मा उम हो जाता है। तो मित्रों यहाँ देखिएगा, अप प्लस मय अमय। तो इस तरह के शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं जो व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे अमय दिया गया है, इसको हम विच्छेद करना है, तो विच्छेद करना है तो यहाँ अप प्लस मय हो जाता है विच्छेद में। जैसे प्लस से पहले उप, प्लस के बाद उम का प्रयोग हुआ है, मतलब प्लस से पहले हलंत वाला प, प्लस के बाद
हलंत वाला मा का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो यह व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन संधि में और एक नियम देखें, तो परिवर्तन देखें, इत का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो उद हो जाता है। फिर एक बार दोहराते हैं परिभाषा को। व्यंजन संधि के अंतर्गत एक संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे इत का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो उद हो जाता है। जितने भी आपके सामने प्रस्तुत किया था, जितने भी ध्वनियां हैं इधर, तो वह क्या बनेंगे, अलंत द के रूप में प्रयुक्त तो होता है। जैसे मित्रों इत प्लस भा ध्वा हो गया, जैसे उदाहरण देखेंगे सत प्लस भावना सद्भावना हो गया। तो इसका हम विश्लेषण करेंगे व्यंजन संधि के इस नियम के अंतर्गत। प्लस से पहले मित्रों त हलंत अल्प प्राण वाला त आया है, प्लस के बाद भा ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो ये बन गया है सद्भावना। उसके बाद इत प्लस ई दी का प्रयोग हुआ है, इसको हम कहेंगे जगत प्लस ईश जगदीश। तो यह हम विश्लेषण कर सकते हैं इत प्लस भ द्भ। उसके बाद और एक विच्छेद है भगवत प्लस भक्ति, मतलब प्लस से पहले क्या आया है त आया है, उसके बाद प्लस के बाद भी महाप्राण भ आया है, तो हम इसको मेल करेंगे तो भगवत भक्ति हो जाता है। तो मित्रों यहां ध्यान दीजिए, और एक ध्वनि है और एक विच्छेद है यहां इत प्लस र, क्या होगा द्रा होगा, द के नीचे र रेफ का प्रयोग हुआ है तो द्रा हो जाता है। जैसे तत् प्लस रूप तद्रूप, यहां तत् में क्या है अंत में अल्प प्रण त के नीचे हलंत है त है, प्लस के बाद र है, तो उत प्लस र क्या हो गए यहां द्रा हो गए, इसलिए हम तद्रूप कहते हैं तत् प्लस रूप को। तो अगर तद्रूप शब्द देकर विच्छेद कीजिए तत् प्लस रूप हो जाएगा। उसके बाद इत प्लस धा द्भा हो जाएगा, धा अल्प प्रण ध के साथ महाप्रण ध का प्रयोग होता है, सत प्लस धर्म सद्धर्म हो जाएगा, मतलब त प्लस ध जो है ध हो जाएगा, सत धर्म सद्धर्म हो जाता है। तो उसके बाद और एक नियम है व्यंजन संधि में, उत से परे इच या छ होने पर च, ज या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, ड या ढ होने पर ड और ला होने पर ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएंगे कि व्यंजन संधि का इस रूप क्या है, यह नियम क्या है। इत प्लस च जो है द्वित्वाक्षर बन जाएंगे, च के साथ अल्पप्राण च बन जाएंगे, त च बनकर च बन जाएंगे। जैसे उच्चारण एक शब्द है, अगर हम इसको विच्छेद करेंगे तो उस प्लस चारण हो जाएगा। तो और एक है ज द्वित्वाक्षर अल्पप्राण ज के साथ जो प्रयोग हुआ है, तो मित्रों इत प्लस ज ज हो जाता है। उदाहरण देखेंगे सज्जन, सत प्लस जन सज्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम व्यंजन संधि के अन्य नियम देख सकते हैं, तो अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं जो इस रूप में बनते हैं। इत प्लस झ महाप्राण झ जो है अल्पप्राण ज के साथ आते हुए आपको उत प्लस झटिका वो झटिका हो जाएगा। उसके बाद त अल्पप्राण त प्लस अल्पप्राण ट क्या होंगे द्वित्वाक्षर के रूप में
अल्पपंटा हो जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण के रूप में शब्द विच्छेद देखेंगे तो तत् प्लस टीका तटीका हो जाएगा। तटीका का विच्छेद कैसा होगा? तट प्लस टीका, मतलब प्लस से पहले त है, प्लस के बाद टा है, इसलिए मित्रों वह द्वित्वाक्षर के रूप में अल्पपर्णटा बन जाता है। सबसे नीचे देखने पर पता चलेगा कि तटीका जो है तत् प्लस टीका हो जाता है। फिर उत प्लस ड ड हो जाएगा, उत प्लस डयन उड्डयन हो जाता है। तो इस तरह और एक विच्छेद है उत प्लस ला ल, उत प्लस लास उल्लास। अगर आप उल्लास शब्द का विच्छेद देखने पर पता चलेगा कि व्यंजन संधि के इस नियम में प्लस से पहले अल्पवर्ण त आएगा हलंत के साथ, प्लस के बाद ला आएगा, इसलिए उत प्लस ला क्या होगा? द्वित्वाक्षर हो जाएंगे ला से संबंधित। यह शब्द जो है उत प्लस लास होगा, उल्लास हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार व्यंजन संधि के अन्य नियम भी देख सकते हैं। तो उत का मेल यदि इश के हो तो उत को इच और इश का छ बन जाता है। जैसे उत प्लस इश छ हो जाएगा, उत प्लस स्वास उच्छ्वास के रूप में हम समझ सकते हैं। उच्छ्वास शब्द को अगर हम विच्छेद करेंगे तो उत प्लस श्वास होगा। ऊपर देखिए ध्वनियों सबसे ऊपर उत प्लस श्या दोनों मिलकर अल्पप्राण च महाप्राण छा के रूप में उच्छ्वास बनकर प्रयोग होता है। उसके बाद उत प्लस श्या उच्छ बन जाता है। ये भी उच्चिष्ट शब्द में भी यही रूपांतर है। तो उसके बाद सच्छास सच्छास्त्र में भी यही रूपांतर है, परिवर्तन है। जैसे सच्छास्त्र में संधि विच्छेद देखेंगे तो पता चलेगा कि सत प्लस शास्त्र उत प्लस शा। इस प्रकार हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों आप लोगों को एक सुझाव दिया जाता है कि जब हम संधि पढ़ते हैं तो नियम पढ़िए, समझते हुए उदाहरण साथ में रखिए, तभी समझ में आएंगे। तो आपके सामने संधि से संबंधित सामग्री प्रस्तुत किया, हम समझते हैं कि अब इससे संबंधित मतलब संधि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुआ होगा। तो इस तरह के जो जितने भी कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं आपके सामने, तो इन कार्यक्रमों के संदर्भ में आप लोग softnet.com के जरिए माध्यम से आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक अवश्य दीजिएगा, इससे बेहतर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आप पुराने कार्यक्रम चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दूसरे कार्यक्रम के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।